ऑल राइट, सो समर शुरू हो चुकी है और समर्स के अंदर ना हमें बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि एक्ने, सन टैन, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आपने फॉलो कर लिया तो समर्स के अंदर ये कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करोगे। और आज के इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको 6 समर स्किन केयर टिप्स देने वाला है जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1, सनस्क्रीन। अब देखो इसका सिलेक्शन और इसका एप्लीकेशन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो वैसे तो हर एक मौसम में इंपॉर्टेंट है बट समर्स के अंदर ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम सनस्क्रीन एक तो गलत सिलेक्ट कर लेते हैं और साथ ही में इसका जो एप्लीकेशन है ना वो भी बहुत गलत करते हैं जिससे हमें इजीली सनटैन हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सनस्क्रीन सिलेक्ट कैसे करें। देखो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि उसके अंदर एसपीएफ 30 एटलीस्ट हो, मिनिमम एसपीएफ 30 होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि आपको अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी मतलब यूवीए एंड यूवीबी दोनों रेस से प्रोटेक्ट कर रहा हो। तीसरी चीज आपको देखनी है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और चौथी चीज आपको देखनी है कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक हो जिससे इसको लगाने के बाद आपको कोई भी एक्ने वगैरह फेस ना करने पड़े। सो अगर आपको सनस्क्रीन से मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए ना तो सिलेक्ट करते वक्त ये 4 पॉइंट जरूर अपने ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। लोग पता है यूजुअली क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगाई और धूप में चले गए। नहीं मेरे भाई, आपको सनस्क्रीन लगाने के 20 मिनट तक धूप में नहीं जाना है, उसे अपनी स्किन पे सेटल होने देना है सो दैट वो आपकी स्किन के ऊपर बेस्ट तरीके से वर्क कर पाए। पहला पॉइंट ये है कि बाहर जाने से 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपके हर एक एक्सपोज एरिया पे आपको इसे अप्लाई करना है, जैसे कि आपका फेस तो हो ही गया लेकिन आपके हाथ, आपके ईयर, आपके ईयर का बैक पोर्शन, आपकी नेक, आपकी बिहाइंड द नेक, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं आपका ईयर और आपकी बिहाइंड द नेक जहां पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन यहां पे भी सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है आपको अपनी सनस्क्रीन हर 3-4 घंटे में रीअप्लाई करनी है। अब रीअप्लाई से हमारा पॉइंट नंबर 2 और हमारी टिप नंबर 2 आती है वेट वाइप्स। देखो अगर आप गंदी स्किन पे, ऑलरेडी जो आपकी स्किन गंदी हो चुकी है उसी के ऊपर अगर आप सनस्क्रीन रीअप्लाई करोगे ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी स्किन के डैमेज होने के, आपको एक्ने होने के और भी बहुत सारी चीजें होने के। सो बेटर ये रहेगा कि आप पहले अपने चेहरे को पोंछ लीजिए उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करो। अब देखो फेस वॉश तो आप हर जगह ले नहीं जा पाओगे और ना हर जगह पानी अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज आती है वेट वाइप्स। वेट वाइप से चेहरा साफ कर लो उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। एक और चीज, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तब तो वेट वाइप्स भाई साहब आपके लिए वरदान का काम करने वाली है, बिकॉज ये आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करेगा। इसके अलावा ये आपको एक बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग स्किन देगा और बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग स्किन देगा। टिप नंबर 3, अंडर आई प्रोटेक्शन। देखो समर्स के अंदर ना अंडर आई जो रीजन होता है ये बहुत ज्यादा डैमेज होता है, हमें डार्क सर्कल की प्रॉब्लम इजीली आ जाती है, हमारी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। अब देखो ये बेसिकली क्यों होता है, इतनी हार्श धूप है और वो धूप ये जो एरिया है ना ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और ये बहुत जल्दी डैमेज भी हो जाता है, और ये जो इतनी हार्श धूप है ना वो इस सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो समर्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि आपके डार्क सर्कल थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। वेल इसे रिमूव करना तो बहुत इजी है, लेकिन आज आपका भाई आपको 4 ऐसी चीजें बताएगा जिससे आप इसको अवॉइड ही कर दोगे, आपको डार्क सर्कल होंगे ही नहीं। सो अगर डार्क सर्कल को आने ही नहीं देना है तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए सनग्लासेस। सनग्लासेस बेसिकली आपकी जो आंखें है ना उसे इस धूप से प्रोटेक्ट करेगा, इसके अलावा ये आपकी आंखों को ठंडा रखेगा। दूसरी चीज आती है आपको अंडर आई क्रीम अप्लाई करनी है। मार्केट में हजारों आपको क्रीम मिल जाएगी, इसके अंदर जो भी आपको नेचुरल दिखे ना वो आप ले सकते हो। तीसरी चीज आती है कैप पहनना शुरू कर दो जिससे जो डायरेक्ट सनलाइट है ना वो आपकी आंखों पे ना गिरे। और चौथी चीज ग्रीन टी बैग होता है ना उसे फ्रिज में रखो, जब वो ठंडा हो जाए उसको अपनी आंखों के ऊपर रख लो, इससे आपके जो डार्क सर्कल है ना वो ना के बराबर हो जाएंगे। टिप नंबर 4, नाइट केयर रूटीन। देखो दिन भर जो हमारी स्किन की बैंड बजी है ना उसको रिपेयर करने का सबसे बेस्ट टाइम रात का होता है। एक सिंपल नाइट केयर रूटीन आपको बहुत ज्यादा ग्लोइंग स्किन देगा इस समर्स के अंदर। हमारे नाइट स्किन केयर रूटीन में बस 2 चीजें होने वाली है, सबसे पहला है फेस वॉश और दूसरा है एलोवेरा जेल। सबसे पहले अपने चेहरे को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसे अच्छे से पोंछ लो, उसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल। अब देखो एलोवेरा जेल के ना बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आपकी स्किन को स्मूथ रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, उसको कूलनेस प्रोवाइड करता है, जो भी सन टैन हुआ है उसे वो रिमूव करता है। अब जब एलोवेरा जेल की बात आ ही गई है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि भैया सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल कौन सी कंपनी का है, वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल, क्योंकि इसमें 99% एलोवेरा है और ये मल्टीपर्पज
आपकी स्किन के लिए और ये आपके बालों के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है जैसे मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, पैराबेन, सल्फेट, ऐसी कोई भी चीज इसके अंदर नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस है। वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल आपको इंटेंस हाइड्रेशन देता है, आपकी जो ड्राइनेस है ना इसे मिनिमाइज कर देता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है, इसके अलावा ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, साथ ही इसके अंदर सिट्रिक एसिड है जो आपके टैन को रिमूव करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। सो हमें इसे यूज कैसे करना है, फेस वॉश करने के बाद इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है और अपने पूरे चेहरे पे हल्के हाथों से आपको मसाज करते हुए आपको इसे अप्लाई कर देना है। पूरी रात इसे रहने दो, सुबह उठ के इसे वॉश कर लो, आप नोटिस करोगे कि आपकी जो स्किन है ना ये बहुत ज्यादा ग्लोइंग दिख रही होगी। वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल को परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप वाओ नेचर 20 कूपन कोड यूज कर सकते हो वाओ की वेबसाइट पे जो है buywow.in। ऑल्सो वाओ स्किन साइंस ने ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो है ग्रीन हैंड इनिशिएटिव। इसके अंदर वो आपकी हर एक परचेज जो आपने buywow.in से किया है उसके साथ वो आपको एक सीड पाउच देंगे जिसको आपको प्लांट करना है और उसे पानी देना है, आपको बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स मिलेंगे। टिप नंबर 5, सन टैन रिमूवल टिप्स। अब ये जो टिप्स है ना ये टिप्स से ज्यादा हैक्स है। अब इसके अंदर मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, पहली होममेड, दूसरी अगर आप क्रीम अफोर्ड कर सकते हो तो आप क्रीम भी ले सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम होममेड के बारे में, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए ओट्स और दूसरी चीज चाहिए आपको बटर मिल्क। इन दोनों को आपको मिक्स करना है, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लो, उसके बाद जहां पे भी आपको टैन हो रखा है ना आपकी बॉडी में वहां पे इसे अप्लाई करो, हल्के हाथों से मसाज करो, 30 मिनट रहने दो, उसके बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लो। इसी के बाद स्टेप नंबर 2 आता है, आपको पोटैटो जूस लेना है, आलू का जूस, उसके अंदर आप चाहो तो आप लेमन ऐड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आप इसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हो। इसको मिक्स करने के बाद जहां पे आपको टैन हो रखा है ना वहां पे इसे आप अप्लाई करो, 30 मिनट इसे भी रहने दो और उसके बाद आप वॉश कर लो। आप नोटिस करोगे आपका जो सन टैन है ना भाई साहब गायब हो जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपके ऊपर लक्ष्मी माता कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है ना तो आप ये दो प्रोडक्ट ले सकते हो। सबसे पहला वाओ का प्रोडक्ट है, ये उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब है, इसे आपको अप्लाई करना है, अच्छे से स्क्रब कर लीजिए अपनी बॉडी को जहां पे भी आपको टैन हो रखा है, इसके बाद इसे वॉश कर लो। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है, आपको उस्तरा की एक क्रीम आती है D10 क्रीम, इसको लेना है और अप्लाई करना है जहां पे भी आपको टैन हो रखा है वहां पे और इसे 4-5 घंटे तक ऐसे ही रहने दो, उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हो। आप नोटिस करोगे आपका जो टैन था ना वो नेक्स्ट लेवल पे रिमूव हो चुका होगा। इस गर्मी में हमारी स्किन को बेस्ट रखने के लिए जो हमारी लास्ट और जो हमारी 6th स्टेप आती है वो है हाइड्रेटिंग जूस। देखो जो पानी होता है ना ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, लेकिन समर में बेसिकली क्या होता है हमें डिहाइड्रेशन की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो स्किन है ना ये बहुत ज्यादा डल दिखती है, बहुत ज्यादा बेजान दिखती है और बहुत अजीब सी दिखती है। अब इसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, मैं आपको 3 ऐसे जूस बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट वर्क करने वाले हैं। सबसे पहला है गन्ने का रस, दूसरा है वाटरमेलन जूस और तीसरे नंबर पर आता है लेमन का जूस। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों में से दबा के शेयर करना और ये वीडियो जरूर फॉलो करना। आप नोटिस करोगे इस समर के अंदर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेक्सी दिखने वाली है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।